सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अपने आदेश में आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में कोलारस ओबीसी महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम कोलारस एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि जल्द से जल्द ओबीसी सीटें आरक्षित की जाए तथा ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता कार्तिक सिंह कुशवा ने बताया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग में काफी रोष है। यदि 10 दिन में प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को यथावत नहीं किया तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग सड़कों पर उतर आएगा। इस ज्ञापन में कोलारस विधानसभा के ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता मोहन धाकड़ सहित ओबीसी समाज जन उपस्थित हुए। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। आज कोलारस में आप किस संबंध में आए ज्ञापन देने? देखिए, आज जो हमने ज्ञापन दिया है, जो ओबीसी महासभा ने ज्ञापन दिया है, जो कल जो माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें पंचायत चुनाव तथा नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है और आज हम सभी ओबीसी एससी एसटी भाई इसके विरोध में खड़े हुए हैं कि ताकि पंचायत चुनाव में जो आरक्षण खत्म किया गया है उसको पुनः लागू कराया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमने 10 दिन का अल्टीमेट दिया गया है तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया जी की होगी और पूरा ओबीसी समाज एससी एसटी समाज प्रदेश की सड़कों पर उतर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।